हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस लिस्टिंग। सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ प्रोसेस। किसी भी रनिंग प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहते हैं। लिनक्स में मेन चार टाइप के प्रोसेस स्टेट होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले है रनिंग, जिसको हम आर से डोनेट करते हैं। दूसरा है स्लीपिंग, जिसको हम एस से डोनेट करते हैं। तीसरा है स्टॉप, जिसको हम टी से डोनेट करते हैं। चौथा है जोम्बी, जिसको हम जेड से डोनेट करते हैं। अब हम समझते हैं टॉप कमांड को। इस कमांड के हेल्प से हम प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ टॉप कमांड रन करना है और ये हमें प्रोसेस के बारे में डिटेल दे देगा। एक और कमांड है PS, प्रोसेस स्टेटस। इस कमांड की हेल्प से हम प्रोसेस के बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। इस कमांड के साथ हम कई ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं ताकि हम प्रोसेस के बारे में ज़्यादा डिटेल पता कर सकें। सबसे पहले है ए। ये सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल बताता है, चाहे उसका यूज़र कोई और क्यों ना हो। फिर आता है यू। इस ऑप्शन की हेल्प से हम यूज़र CPU यूसेज, मेमोरी यूसेज, स्टार्ट टाइम, प्रोसेस ID के बारे में पता कर सकते हैं। फिर आता है एक्स। इसकी हेल्प से हम डेमन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। फिर आता है एफ़। इसका मतलब है फुल फॉर्मेट लिस्टिंग। इसकी हेल्प से हम प्रोसेस हायरार्की देख सकते हैं, मतलब पेरेंट चाइल्ड में रिलेशनशिप। फिर है एल। इसका मतलब है लॉन्ग फॉर्मेट लिस्टिंग। ये और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू एफ। फिर है सी। ये प्रोसेस का कमांड भी बताता है कि कौन सा कमांड यूज़ किया है। लास्ट में है पी। इसकी हेल्प से पर्टिकुलर प्रोसेस ID के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस को सही तरीके से यूज़ करके हम प्रोसेस के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। थ्योरी पार्ट में इतना ही, प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको टॉप कमांड रन करके दिखाता हूँ। टॉप एंटर। यहाँ पे आपको हर एक प्रोसेस के बारे में जानकारी दिख रहा होगा। हर एक कोलन प्रोसेस के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता है। तो आइए हर एक कोलन को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है PID, प्रोसेस ID। ये यूनिक नंबर होता है जो प्रोसेस को कंप्यूटर द्वारा साइन होता है। दूसरा कोलन है यूज़र। ये बताता है कि ये प्रोग्राम किस यूज़र द्वारा एग्जीक्यूट या रन हुआ है। थर्ड कोलन है PR। इसका मतलब है प्रायोरिटी, कि कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले रन होगा। प्रायोरिटी मतलब होता है कि किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ये बताता है कि प्रोसेस का प्रायोरिटी क्या है। जितना कम नंबर होगा उतना ज़्यादा प्रायोरिटी। फोर्थ है NI। इसका मतलब है नाइस वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू हाई होगी तो प्रायोरिटी कम होगा। उसके बाद है VIRT। इसका मतलब है वर्चुअल मेमोरी। ये बताता है कि प्रोसेस कितना वर्चुअल मेमोरी यूज़ कर रहा है। उसके बाद है RES। इसका मतलब है रेजिडेंट सेट साइज। ये बताता है कि प्रोसेस कितना रैम यूज़ कर रहा है। उसके बाद है SHR। इसका मतलब है शेयर्ड मेमोरी। सबसे पहले हम शेयर्ड मेमोरी को समझते हैं। जब कई सारे प्रोसेस सेम मेमोरी को यूज़ करते हैं तो उसको शेयर्ड मेमोरी कहते हैं। तो ये कोलन बताता है कि प्रोसेस कितना शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहा है। उसके बाद है S। ये बताता है करेंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस। फिर है परसेंटेज CPU। ये कोलन बताता है कि प्रोसेस कितना परसेंटेज यूज़ कर रहा है CPU का। फिर है परसेंटेज MEM। ये बताता है कि कितना परसेंटेज ऑफ रैम हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस कितना परसेंट ऑफ रैम यूज़ कर रहा है। फिर है टाइम प्लस। ये बताता है कि कितने टाइम से प्रोसेस रन कर रहा है। लास्ट में है कमांड, जो शो करता है कमांड का नेम जो हमने यूज़ किया है प्रोसेस के लिए। यहाँ से बाहर आने के लिए और क्विट करने के लिए हम सिंपल क्यू की प्रेस करेंगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम समझते हैं PS, प्रोसेस स्टेटस कमांड को। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल PS से। एंटर। यहाँ पर जो होता है, जो सबसे पहले होता है, वो बताता है प्रोसेस ID उस वाले प्रोसेस का। उसके बाद टर्मिनल, कि कौन से वाले टर्मिनल पे रन कर रहा है। उसके बाद आता है टाइम, कि वो कितने टाइम से रन कर रहा है। उसके बाद आता है कमांड, कि कौन सा कमांड उसने यूज़ किया है।
अगर आपको पर्टिकुलर यूज़र के प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए तब हम हाइफन यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं, पी एस हाइफन यू। अगर आप हाइफन यू के साथ कोई यूज़र नेम मेंशन नहीं करते हो तब वो करंट यूज़र का प्रोसेस दिखाता है आपको, एंटर। यहाँ पे आपको जो होता है प्रोसेस और उनके डिटेल दिख रहे होंगे। इनके बारे में मैंने टॉप कमांड में बता दिया था, आप थोड़ा सा बैक जाके वो देख सकते हो। अगर आपको रूट यूज़र के बारे में जानकारी चाहिए तब हम हाइफन यू ऑप्शन के साथ रूट मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको जितने भी प्रोसेस दिख रहे हैं वो सब रूट यूज़र द्वारा एग्जीक्यूट हुआ है, बट ये अच्छे फॉर्मेट में नहीं है, तो हम हाइफन यू से पहले एफ लगाएंगे। एफ का मतलब होता है फुल फॉर्मेट लिस्टिंग, एंटर। यहाँ पे जो था ये अब अच्छे फॉर्म में आ गया। सबसे पहले यूज़र PID, PID। यहाँ पे जो सी है वो बता रहा है CPU यूसेज की, वो प्रोसेस कितना CPU यूज़ कर रहा है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको ए ऑप्शन का यूज़ बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से हम दूसरे यूज़र के भी प्रोसेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं, PSA, एंटर। यहाँ पे जो था आपको यूज़र नेम नहीं दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा प्रोसेस ID, टर्मिनल नंबर, स्टेटस क्या उसका, कितने टाइम से वो रन कर रहा है और कौन सा कमांड है। अगर आपको यूज़र नेम भी डिस्प्ले करवाना है देन आपको ए के साथ यू ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, एंटर। यहाँ पर जो होता है ये थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम, प्रोसेस ID, CPU कितना यूज़ कर रहा है, मेमोरी कितना यूज़ कर रहा है, वर्चुअल साइज किया है, RSS किया है, तो इसके बारे में मैंने टॉप कमांड के टाइम पे बता दिया था, आप थोड़ा सा बैक जाकर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम जो था डीमेन प्रोसेस को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। ये वो प्रोसेस होते हैं जो टर्मिनल पे रन नहीं होते हैं, वो बैकग्राउंड में रन होते हैं जब हमारा सिस्टम चालू होता है, तो उसके लिए हमें एक्स का यूज़ करना पड़ता है, देन एंटर। यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जो था आप देख सकते हो अब कुछ ज़्यादा प्रोसेस आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो ये सारे जो होते हैं जो भी नए नए प्रोसेस डिस्प्ले हुए हैं वो सारे डीमन प्रोसेस हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको सी ऑप्शन का यूज़ बताऊँगा, इसकी हेल्प से हम कमांड नेम का पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर अभी मैं कमांड रन करूँगा PSA, यहाँ पर जो था आपको ये वाला कमांड दिख रहा होगा कमांड वाले फील्ड में, बट इसमें जो था एग्जैक्टली कौन सा कमांड यूज़ हुआ वो हमें नहीं पता। तो PSAC यहाँ पर जो था आप देख सकते हो यहाँ पर कमांड वाई ऑब्सीडियन, बट यहाँ पर जो था कुछ बड़ा सा ही था जिसको हम जो था क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको एल ऑप्शन का यूज़ बताऊँगा, इसका मतलब होता है लॉन्ग फॉर्मेट लिस्टिंग, PSA। यहाँ पर जो था आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो था ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ 5 ही कॉलम हमें प्रोवाइड कर रहा है, बट अगर मैं एक साथ एल का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है ज़्यादा है और ये जो होता है हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एफ़ का मतलब होता है फुल फॉर्मेट लिस्टिंग, ये जो होता है हमें पेरेंट और चाइल्ड के बीच के रिलेशनशिप भी बताता है, PSAF। तो यहाँ पर जो था आप देख सकते हो ये जो था पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप भी हमें बता रहा है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।